तो दोस्तों आज हमने अपना चैनल शुरू करा है, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे व्लॉग देखने के लिए मिलेंगे, जैसे फैमिली व्लॉग और ट्रैवलिंग व्लॉग और बहुत सारे व्लॉग है। जैसे भी आप जो भी डिमांड करोगे, आपकी डिमांड पे हर तरह का व्लॉग बनाएंगे। तो भाई हमने चैनल शुरू करा है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें और जैसे भी आपको लगे हमें बताएं। तो आज हमारी लोकेशन है तुगलकाबाद फोर्ट, तो हम आए हैं और आप बताना आज हमारा फर्स्ट व्लॉग कैसा होगा। तो चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। को एक मेंबर से और मिलवाना चाहता हूँ जो मेरे साथ में व्लॉग बनाएंगे, तो ये है मेरी वाइफ, इनका नाम है शवा, और हम दोनों साथ में व्लॉग बनाएंगे। भाई जैसा आपको लगे प्लीज़ सपोर्ट करें। तो दोस्तों चलिए व्लॉग शुरू करते हैं। और दोस्तों पहला व्लॉग है, तो हमें भी नहीं पता कैसा होगा, तो जैसा भी है आप बताएं, और थोड़ा हमसे गलती हो तो दोस्त सपोर्ट करें। तो जैसा भी होगा हम सोचेंगे बेस्ट से बेस्ट दें। बाकी अभी तो कैमरे के आगे बोला नहीं जा रहा है, अब जैसा भी आप बताएं। चलिए व्लॉग शुरू करते हैं, आइए हमारे साथ। सोनू सवा ब्लॉग से है, और भाई इनका चैनल का लिंक हम दे देंगे नीचे, जाके आप सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये भी अच्छे अच्छे व्लॉग डालेंगे। देख सकते हैं आप कितनी प्यारी जोड़ी लग रही है दोनों की, ठीक है। बच्चे ही है, कोई ज़्यादा बड़े नहीं है ये। तो दोस्तों मेरा नाम है विवेक, और मेरा चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इन भाई का फर्स्ट व्लॉग है, और इनका चैनल का नाम है सोनू सवा ब्लॉग, और आपको आज से इनके चैनल पर व्लॉग देखने के लिए मिल जाएंगे, और साथ में मैं भी देखने के लिए मिलूँगा कभी कभी। तो भाई शुरू करते हैं आज का अपना व्लॉग। यह दिल्ली का तुगलकाबाद किला है, और यह बहरौली बदरपुर रोड पर स्थित है। और दोस्तों यहाँ के राजा की बेवकूफ़ी की वजह से एक सूफ़ी संत ने, जिसका नाम ग्यासुद्दीन ओलिया था, उसने राजा को श्राप दे दिया था कि यह किला कभी बस नहीं सकता है, और यहाँ पर या तो खंडर होगा या सियार बसेंगे। इस वजह से यह किला कभी पूरा ही नहीं हो सका। चलो चलो चलो। खंडर है भाई, देख सकते हो आप, ये भाई ये खंडर है, जो राजा के भाई बंदे प्रजा वगैरह रहते थे उनके खंडर है ये, मकान है ये, देख सकते हो, ठीक है। और अभी हम वहाँ जाएंगे ऊपर पॉइंट पे, ठीक। और ये जा रहे हैं मेरे भाई फ्रेंड जा रहे हैं, और ये जा रही है उनकी भाई, और देख सकते हो आप, बढ़िया 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 एकदम, तो दिमाग ख़राब हो जाएगा भाई, देख सकते हो। वहाँ पे पॉइंट है, वहाँ से फ़ोटो खींची जाती है। हाँ ये गार्ड आ रहा है, उधर से लेवर रील बनाइए अपनी। तो भाई देखो जा रहे हैं हम, ठीक है ना, आप अभी चलेंगे वहाँ से। हम आगे आगे चलें, हाँ मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ, ठीक है। वाकई बात मेरे से बच के रहिए भाई तू, लेकिन मेरा कुछ नहीं पता है, मैं तेरे पे भी हाथ साफ कर दूँगा। देख सकता हूँ भाई कितनी मस्त लग रही है जैसे भाई, सिक्योरिटी भी चेक हो रही है कम से कम देख के। और भाई देख रहे हो कैसे घूमता फिर रहा है वो इसीलिए। और भाई जहाँ हम खड़े हैं आप देख सकते हैं, ये जो चीज़ है ये गुफाएं जो बनी हुई हैं, ये पहले का मीना बाज़ार हुआ करता था, और इसको मीना बाज़ार को लेडीज ही चलाया करती थी। यहाँ पर स्टॉल वगैरह लगते थे, उनके दुकान वगैरह लगती थी यहाँ पर। तो ये वह पहले के टाइम का मीना बाज़ार था, जहाँ से लेडीज़ वगैरह सामान खरीदती थी अपना सारा का सारा, और अगर आज होता तो सब खरीदते। तो भाई देख सकते हो ये जा रहे हो, और
तो भाई यार धूप वूप नहीं लग रही तुम्हें? भाई धूप तो लग रही है, क्या करें, लेकिन भाई अपने व्यूअर्स के लिए। अच्छा तो भाई मैडम के लिए तो छाता ले आते यार, कोई बात नहीं। क्या कह रहे हो, मजा आ रहा है? अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे सारे में क्या क्या है। और भाई अभी हम वहाँ ऊपर जाएंगे, ठीक है, धूप में, और फोटो। और दोस्तों जो यहाँ पर छोटे छोटे से ये मकान से बने हुए हैं, मोटी मोटी दीवारों के, ये सब यहाँ के मजदूर थे जिन्होंने ये किला बनाया था, वही रहते थे इसमें। और यह किला दिल्ली के 7 बड़े शहरों में से एक तीसरा बड़ा शहर है। देखना मत ना, गर्म हो रहा है। तो भाई देखो यहाँ से सीढ़ियों पे से जा रहे हैं हम, ठीक है, और ऊपर जाके दिखाते हैं और 2-4 वीडियो वगैरह भी बनाएंगे, रील वगैरह। और ये वो पॉइंट है इस किले का, ये मेन पॉइंट है, सबसे ऊंचा पॉइंट है, यहाँ से जो है पूरी दिल्ली दिखाई देगी तुमको, ठीक है ना। और जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं, ये पहले फतेह पॉइंट होता करता था, जहाँ पर कोई भी जीत जाता था, जब उसको यहाँ पर लाकर फतेह करा जाता था, झंडा लहराया जाता। पूरी दिल्ली चमक रही है भाई यहाँ से। कूड़ा वाला पहाड़ है भाई। अभी घूमने पूरा 2-3 बार आया हूँ ना, उधर की तरफ घूमा भाई, देख उधर तो जैसे तो भाई ये कुआ टाइप में है कुछ, ठीक है। अरे वो तो ये भी भाई गुफा टाइप में है, ठीक है, बावली वगैरह बोलते हैं इसे। बावली बोलते, बावली नहीं, ये बावली पानी भरने वाली बावली है। और दोस्तों जो आप सामने देख रहे हैं, ये शोक सभा होती थी जब जैसे कोई युद्ध वगैरह से हार कर आते थे, तो या कोई भाई डेड हो जाता था, तो यहाँ पर आकर वो शोक सभा मनाया करते थे। और भाई यार अब हम आगे आगे को जा रहे हैं, ठीक है ना, आगे आगे जाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे कि क्या क्या है क्या नहीं है। देखने में तो वहाँ से दूर से बड़ी लग रही थी, यहाँ है तो छोटी सी है, होगी मेरे हाँ, देखने कितनी बड़ी है। मैं सोच रहा कि बुखार सुखार सी होगी अंदर, अच्छा लगेगा। अरे तो यार छोटी निकले लोग हैं, जहाँ जहाँ मैं रुक जाता हूँ वहाँ के बाहर निकल, कहाँ देख रहे थे तुम? अरे ये क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है भाई, खोदा पहाड़ भी नहीं है यार, बट बाकी यार मजे ले सकते हो आप, देख सकते हो कितना मज़ेदार जंगल है, कितना मस्त जंगल है, ठीक है। ये यहाँ पे ना भाई काम चल रहा है अभी, देख सकते हो यार। हम आ चलते हैं सामने। सामने क्यों, अभी तो इधर चलेंगे, इधर नहीं, इधर जंगल है, इधर मना जाना, जंगल है मना जा, हाँ इधर मना जा, कोई नहीं। और भाई फोटो वगैरह रील वगैरह बनाने के लिए देख सकते हो कितनी बेस्ट लोकेशन लग रही है ये, ठीक है ना। ये भी महल होगा शायद, ठीक है, रानी वगैरह या राजा वगैरह रहते थे इसमें, और कितनी बेस्ट लोकेशन लग रही है। और भाई कपल के लिए तो एकदम ही वरदान वाली जगह है ये, यहाँ पर आप जरूर आना यार। ये देखो ये क्या,
क्या है? ये भी देखते हैं भाई, ये और चीज भी खाते हैं तुम्हें, ठीक है ना भाइयों? क्या बकचोदी है क्या ये? ये पूजा खाने का है, ये आ जाओ, मैं बताऊंगा तुम्हें क्या आए हो। हाँ, मेरा नाम लिख रहा है, कोई बात नहीं, आ जाओ मैं बताऊंगा क्या आए हो बीमारी। यो बताऊं क्या है, आ जाओ। ये भाई घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था, ये जो आप देख रहे हो छेद छेद से, यहाँ पर उन घोड़ों को बांधा करते थे हम। यहाँ पर ये बंदे जो भी राजा वगैरह होते थे वो अपने हिसाब से घोड़ों को बांधा करते थे, ठीक है। और भाई पहले के ज़माने की बात ही कुछ और थी, ठीक है ना, अब के ज़माने में वो कहाँ मिल जाएगा। और आप देख ही सकते हो जैसे कि यहाँ से बाहर का भी नज़ारा चमक जाएगा यह सुराख से मेरे को। यार भाई आप समझदार हो ही, आगे रास्ता बंद है भाई, कोई नहीं, हम इसके भी पार जाएंगे जंगल यार। अरे दीवार इसमें। और भाई हम रील वगैरह बना रहे हैं, ठीक है ना, तो देख सकते हैं यहाँ पे रील सेलेक्ट करी जा रही है। और भाई जो दिखाने जा रहा हूँ मैं, यह बहुत बड़ा जंगल है, 6 किलोमीटर में फैला हुआ है। और यहाँ पर तो जाना ही मत ना, वैसे तो अनाउड है नहीं, और जाना भी हो तो बड़ी अपनी सेफ्टी के साथ जाना। तो इस वजह से या तो लड़के लड़के जाना या फिर घनी सारी लड़के लड़के जाना, ठीक है ना। हाँ, और ये खड़े हुए भाई, ईट है यहाँ बहुत सारी है, कुछ भी कर सकते हो। और बाकी तुम्हें मजे लेते हो, कोई नहीं रोकने का, अपने जैसे मर्जी बैठो, आनंद लो, फुल इन्जॉयमेंट करो, क्योंकि ऐसा है। अच्छा तो भाई फोटोशूट वगैरह चल रही है, दिखाते हैं आपको बिहाइंड द सीन के फोटोशूट कैसे हो रही है। देखो भाई, ये देखो भाई, ये भाई पोज मारते हुए, अरे वो भी आएगा। हाँ तो देख सकते हो भाई, हाँ बहुत मज़ा आ रहा भाई। हाँ कैसा लगा ये जंगल पीछे वाला? ये बहुत अच्छा लगा, मैं काफ़ी बार आया हूँ यहाँ पे वैसे, लेकिन आज पहली बार यहाँ पे आया हूँ। मैं दूर से बोल रहा हूँ, मतलब ये है कि भाई बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन आज पहली बार आए। नहीं भाई, पहली बार आया लेकिन पूरे नहीं घूमा, आज साथ में, आज साथ में भाई एक को ना घूम पा रहे हैं, पीछे का जंगल छोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि भाई अभी यहाँ पे हैं। अच्छा तो भाई हम जा रहे हैं दूसरी वाली जगह, ठीक है। और सामने जो देख रहे हो आपको गेट है, वही मेन एंट्रेंस है यहाँ की, ठीक है। बाहर से जो है टिकट वगैरह मिल जाएगा, यहाँ पे आकर टिकट चेक कराना पड़ेगा। ये तुम्हारे भाई ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हो यहाँ पे, ये टिकट में फोन करके दे देगा तुम्हें। एक रबड़ गिर गई थी हमारी, किस्मत अच्छी है मिल गई, क्योंकि ज़्यादा कीमती नहीं थी, एक्सपेंसिव, ठीक है। और ये जा रहे हैं भाई, तो भाई देख सकते हो आप यार, ठीक है भाई, ये भाई लोग जा रहे हैं मतलब सामने सामने, और ये भाई रोड क्रॉस करके है ना दूसरी साइड में आ चुके हैं, ठीक है। जैसे कि आप फोर्ट आ गया, ठीक है, यहाँ पे भी देखेंगे कि क्या है, ठीक। और भाई ये जंगल है देख सकते हो, ठीक है, पैक नहीं करना, ये फ्रंट से ही बनाओ अपनी अपनी, वो मैं बना रहा हूँ ना, हाँ तुम अपने फ्रंट की बनाओ। तो ये देख लो यार कितना शानदार नज़ारा है देखने में, ठीक है ना। और ये भी एक एंट्रेंस हो जाती है स्टार्ट यहाँ से। भाई सब राजा तुगलक बाद की देन है जो भी है यहाँ पे, ठीक है ना। मज़ा आ रहा है यहाँ पे देखने की, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, आप देख सकते हो यहाँ से जो स्टार्टिंग हो चुकी है, ये रही क्या दिखा रही। और भाई स्क्रीन शॉट ले सकते हो, या फिर आपको यहाँ पे आना ही चाहिए। अब सारी बात तो मैंने ही बताने का।
मैं चाहता हूँ कि आप भी यहाँ पर आएं, और यह जगह राजा की कब्र है, जो राजा ग्यासुद्दीन था उसकी कब्र है और बीवी बच्चों की। तो भाई ये देख सकते हो ये कब्र वगैरह बनी हुई है, ठीक है। ये और भाई यार आप भी यहाँ पर आ सकते हो, न्यू न्यू जो कपल होते हैं, न्यू मैरिज होती है, वह घूमने के लिए आ सकते हैं। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ की सिक्योरिटी वगैरह और सारी चीज़ें बढ़िया है, एकदम मस्त लगी मेरे को, ठीक है ना। बट बाकी आप कोई भी गलत काम ना करें, जो भी काम करें अच्छा करें। अरे ये नहीं ना, ये इधर को घूम कर आई। हाँ तो आ जाओ, कोई नहीं यहीं से निकलते हैं, चलो आओ आ जाओ आ जाओ। तो भाई ये लाइट वगैरह है, यहाँ से भी रात का नज़ारा कुछ अलग ही होता है, ठीक है। देख सकते हो क्या क्या महफिल बनी हुई है भाई, बंदर ही बंदर है यहाँ सारे में, ठीक है। देख सकते हो कुछ कैमरा, ये कैमरा कुछ। तो भाई यार इतने घूमा है हम, ठीक है ना, अंदर से भग आए हम, जल्दी बंदर बंदर पीछे पड़ रहे थे लोगों के, भाई हमारे भी पीछे पड़ जाते हैं, इसलिए हम तो भाई बाहर निकल आए, घूम रहे अब हम यहाँ, ठीक है। और अब भाई यहाँ से अब हम दूसरी लोकेशन की तरफ टर्न करेंगे, और कहाँ जा रहे हैं वो आपको वहीं पर पहुँच करने के बाद बताएंगे हम कहाँ जा रहे हैं। सरप्राइज। मेरा नाम सोनू है और मैंने एक नया व्लॉग शुरू करा है तो आज से ही। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो रोको, ये क्लिप डल जाएगी, मार मार के चाहिए हमें नहीं है किसी की जरूरत, किसी को आना है तो आओ वरना।